पाठ 12 सर्वनाम। सर्व जमा नाम, शब्दों के योग से सर्वनाम शब्द बना, जिसका अर्थ है सबका नाम, अर्थात वे शब्द जो शब्द सबके नाम के लिए प्रयुक्त हों। नेहा मेरी बहन है, वह 7वीं में पढ़ती है, उसे पुरस्कार मिला। इन वाक्यों में नेहा संज्ञा है, नेहा के स्थान पर वह तथा उसे शब्द आए हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए। नीलम का विवाह हो गया। नीलम के पति का नाम अजीत है। नीलम की पुत्री का नाम नीता है। नीलम नौकरी करती है। नीलम का कार्यालय करोल बाग में है। नीलम ने कार खरीद ली है। नीलम कार से कार्यालय जाती है। इन वाक्यों में संज्ञा शब्द नीलम बार बार आया है। नीचे लिखे वाक्यों में नीलम के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, इससे भाषा की सुंदरता बढ़ गई है। नीलम का विवाह हो गया। उसके पति का नाम अजीत है। उसकी पुत्री का नाम नीता है। वह नौकरी करती है। उसका कार्यालय करोल बाग में है। उसने कार खरीद ली है। वह कार से कार्यालय जाती है। इन वाक्यों में आए उसके, उसकी, वह, उसका, उसने सर्वनाम शब्द हैं। ये सर्वनाम शब्द नीलम के स्थान पर आए हैं। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाला अर्थात जिससे बातें कर रहा है उसके लिए तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वह बात कर रहा है प्रयुक्त करता है, वे सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वे, आप, हम, तुम आदि। उदाहरण, मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। उपर्युक्त वाक्य में मैं सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए किया है। तुम सर्वनाम का प्रयोग जिससे बात हो रही उसके लिए किया है तथा उसे सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए कर रहा है, अतः ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कपिल का गाना सुना, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द मैंने, मैं तथा मेरे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुम कब आ रहे हो, तुम मेरे साथ चलोगे, आप यहाँ बैठ जाइए। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त तुम और आप सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जब बोलने वाला अपने सामने उपस्थित श्रोता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हुए उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उसकी परीक्षा हो गई, उन्होंने भोजन कर लिया, वह विलंब से पहुंचा, उसे भेज दीजिए। उसकी, वह, उन्होंने, उसे शब्द अन्य पुरुष के लिए आए हैं, अतः ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा विद्यालय है, यह मंदिर है, यह आयुष की पुस्तक है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द वह और यह क्रमशः विद्यालय, मंदिर और पुस्तक की ओर निश्चय पूर्वक संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उधर कोई खड़ा है, मुझे खाने के लिए और कुछ ला दो, दूध में कुछ गिर गया है।
उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द कोई और कुछ किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का ज्ञान नहीं करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। संबंध वाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उनके संबंध का पता चलता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उतना उठाओ जितना उठा सको, जो वह जिसकी उसकी तथा उतना जितना शब्द दो सर्वनामों में संबंध बता रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी प्राणी व्यक्ति वस्तु और कार्य आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या क्रिकेट खेलने चलोगे, यह किसकी किताब है, तुम्हारा नाम क्या है, उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द क्या किसकी और क्या शब्दों से प्रश्न प्रकट हो रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुम रहने दो, मैं खुद ही फोन कर लूँगा, तुम स्वयं यह कार्य करो, मैं अपने आप पढ़ता हूँ। ऊपर के वाक्यों में खुद स्वयं तथा अपने आप सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता काम करने वाले के साथ अपनापन बतलाने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, अतः ये सभी निजवाचक सर्वनाम है। विशेष आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है, सर्वनाम शब्दों का संबोधन रूप नहीं बनता। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन को बहुवचन में बदल दिया जाता है। जैसे भगत सिंह क्रांतिकारी थे, वे बहुत नरम दिल के थे। सर्वनाम के रूप में वचन और कारक के कारण परिवर्तन आता है, परंतु लिंग के कारण नहीं। वह गाना गाती है, वह गाना गाता है। हमने सीखा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष।